सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कि 10^9 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से बाहर जा रहे हैं किसी दूसरी बॉडी पर हर एक सेकंड के अंदर, यानी कि एक सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द बॉडी। अब बॉडी पर देखो, इस बॉडी से क्या हो रहा है, दूसरी बॉडी पर चार्ज जा रहा है, किस रेट पर जा रहा है, ये जा रहा है इस बॉडी पर 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पर सेकंड। अब बॉडी पर टोटल कुल मिलाकर के 1 कूलम चार्ज हो जाए तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो आप क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगा लो। चार्ज आपको पता है 1 कूलम होना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, एन इज इक्वल टू 1/1.6 × 10^-19, तो ये वैल्यू निकल करके कुछ आएगी 6.25, और 10^ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, ये क्या है भाई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए अगर आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाना है। अब आप दूसरी बात समझो, एक दूसरा फैक्टर अब यहाँ पर लेकर के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्स वे में लेकर के चलना पड़ेगा। रिवर्स वे इन द सेंस कि भाई 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1/10^9 सेकेंड्स में, और 6.25, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ये 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कितने टाइम में ट्रांसफर होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आंसर निकल करके आएगा 6.25 × 10^9, ये सेकेंड्स आ जाएंगी। अब ये आपके पास जो आंसर आया है, आप चाहो तो इसको जो है मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो आप इसको आर में कन्वर्ट कर सकते हो, डे में कन्वर्ट करो, जिसमें कन्वर्ट करना है करो, लेकिन हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर आंसर जो है अपना निकाल दिया है ना। तो इस तरीके से ये जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि भाई हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा इन अ कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, एक कप ले लिया, ठीक है जी। इसमें जो है वाटर है, अब वाटर जब तक आपको वाटर की मात्रा नहीं पता होगी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो भाई इसमें हमने मान लिया कि 250 ग्राम जो है पानी है इसके अंदर, है ना, पानी मतलब H2O। अब आप ये देखो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का तो होता है 1 और 2 एटम है यहाँ पर, तो 1 × 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसका मतलब है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 18। अब 18 जो है मॉलिक्यूलर मास आया किसका, वाटर का, तो आप ये कह सकते हो कि 18 ग्राम में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 ग्राम में कितने होंगे भाई, 1 ग्राम में होंगे Na/18 मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आ जाएंगे अपने पास Na/18 × 250, ठीक है। अब हम देखो मॉलिक्यूल्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका रीजन बताता हूँ आपको। देखो H2O का जब एक मॉलिक्यूल होगा तो इसमें आप जानते हो कि 2 तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और 1 जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है यानी कि इसमें 2 तो प्रोटॉन रहेंगे और 2 ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये है ना, एक जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो 8 इसमें प्रोटॉन रहेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर आप टोटल करते हो, इनका अगर टोटल करने लगो तो देखो 10 तो आपके पास प्रोटॉन आ गए और 10 ही आपके पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक बार हमें पता चल गया ना, तो उसके बाद हम चार्ज तो बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे, और फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, यही वाला लगेगा, क्यू बराबर एन। इसलिए जो है ना हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे, एनए की वैल्यू होती है 6.022 × 10^23, 18 यहाँ आ गया, 250 आ गया भाई अपना इधर, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ना एग्जाम में थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी आएगी। 6.022 × 250, ओके, डिवाइडेड बाय 18, ये अपने पास में आंसर आ रहा है भाई 83.638 × 10^ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है जी। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, 250 ग्राम अगर हमने पानी लिया है तो उसमें जो है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला हो गया, ये क्या चीज हो जाएगी भाई अपने पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 83.638
इंटू 10 to the power 23 इंटू ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10 to the power −19। अब देखो ये सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये प्रोटोन यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं। प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है जी। अगर इसकी मल्टीप्लाई की जाए, भाई मल्टीप्लाई करने में फिर टाइम लगेगा, तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलेटर, आप लोग देखना अपना एग्जाम में तो हो ही जाएगा, इजी कैलकुलेशन आएगी। तो ये कितना है भाई, 83.638 × 1.6, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है 133. कितना है भाई, 133.82, ठीक है जी। पावर कितनी आ जाएगी देखो, एडजस्ट करते हैं, 23 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस हिसाब से 1.33 × 10 to the power कितना हो जाएगा, 6 कूलम। इतना चार्ज आया बेटे पॉजिटिव, ठीक है, इतना क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो जितना प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे एक मॉलिक्यूल में, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने आए उसमें पॉजिटिव चार्ज जितना आया होगा उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज भी आएगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इस तरीके से जो है हम फाइंड कर लेंगे। इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगना था। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द स्ट्रेंथ, कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये दो फोर्सेज है इनका जो है रेशियो निकालना है। किसके लिए निकालना है, एक प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन। पहले पार्ट में क्या है, एक तो प्रोटोन है और दूसरा क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने मान लो आर मान ली, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही जो है मतलब मैग्नीट्यूड रखेंगे हम, तो प्रोटॉन के लिए भी ई हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए भी, तो ई स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वेशन वन मान लिया। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर लेते हैं, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक प्रोटोन था तो उसका मास लिख लिया एम पी, एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास लिख लिया एम ई, क्योंकि मासेज अलग अलग होते हैं दोनों के, तो अलग अलग लिख लिया। अपॉन में आ गया आर स्क्वायर, ये हो गया एफ जी, एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों चीजें आ गई। इसके बाद में हम दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो भाई एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ जाएगा, देखो ये जो आर स्क्वायर है ना ये वाला, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई, इतना बच गया मेरे पास में। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन आएगी तो कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी। चलो खैर फिलहाल करके देखते हैं, 9 × 10 to the power 9, ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10 to the power −19, ये यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आएंगे बेटे हम, 6.67 पावर हो जाएगी −11, ठीक है जी। एम पी प्रोटोन का मास होता है 1.67 पावर हो जाएगी −27, और एक और चीज आ रही है इंटू में, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 to the power −31। तो इन सबको जो है सॉल्व करना है हमें, टाइम कम लगे, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर की कैलकुलेशन कर लेंगे, 9 × 1.6 × 1.6, ठीक है। ये जो आ रहा है ऊपर 23.04 आ रहा है, पावर हो जाएगी 19 × 38, एक काम करते हैं −19 −10 −29 बच जाएगा, माइनस कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा बेटा। अपॉन में आ गए, इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। ये कितनी आएगी, 6.67 × 1.67 × 9.1, अपना आंसर आ गया 101.36 × पावर। पावर देखते हैं भाई, सारी पावर माइनस में है, 30, 50, 58, 68 और 69, 69। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, अगेन मैं तो कैलकुलेटर से यूज करूंगा, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, 23.04 / 101.36, वही आंसर आ गया अपने पास में 0.227, और पावर सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, ये आएगी 40 प्लस में आएगी। तो देखो ये जो है सॉल्व करने के बाद ना बेटे इतना कुछ आ रहा है, एफ ई अपॉन एफ जी ये कितना आ रहा है भाई, लगभग 2.27 पावर, कितनी आ गई, 39। तो अब आप ये देखो, ये रेशियो जो है ना इतना ज्यादा आ रहा है कि पावर जो है ना 10 to the power 39 है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। अब इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ से। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट जो था वो भी इसी तरीके से किया जा सकता है। देखो ये सेकेंड पार्ट था दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए,
जब दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए करेंगे तो भाई यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हो गया और इधर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जो समझ गया है वो स्किप कर देना इस वाले पार्ट को, और जो देखना चाहता है सॉल्यूशन वो तो भाई देख ही लो। तो मैं इस वाले को थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा, एफ इज इक्वल टू के, यहाँ कितना जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सेम ही आएगा जैसे पहले आया था। उसके बाद एफ जी कितना आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा जी। अब देखो दोनों मासेज एम वन और एम टू क्या है, प्रोटोन है, आपकी बार ये भी प्रोटोन है और ये भी प्रोटोन है, तो मैं एम पी स्क्वायर कर दे रहा हूँ यहाँ पर और ये आर स्क्वायर आ गया। इक्वेशन टू मैं इनको डिवाइड करूंगा, अगेन डिवाइड करने पर मेरे पास आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर। रीजन क्या है भाई, ये आर स्क्वायर जो है अगेन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग वैल्यूज रखोगे ना तो एफ ई अपॉन एफ जी, ठीक है, एफ ई अपॉन एफ जी ये कितना हो जाएगा, देखो सारी वैल्यूज वही होंगी जो पहले आ रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो चेंज हुआ नहीं कोई, यहाँ भी पहले पार्ट में भी ऊपर यही था, तो ऊपर वाले पार्ट का तो यही आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन हम दोबारा करेंगे नहीं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा टाइम बचाएंगे। 10^-29 आ गया। यहाँ पर जो डेनोमिनेटर में वैल्यू आई थी ये चेंज होकर के आएगी, क्योंकि यहाँ पर एम ई की जगह आपकी बार क्या है एम पी है। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन को लिख लेते हैं, 6.67^-11 और एम पी का मास है 1.67 है, ये 6 लिख दिया, चलो 6.7^-27 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं पहले, डेनोमिनेटर मैं सॉल्व करके लिख लेता हूँ जरा थोड़ा सा, है ना। चलो जी, तो डेनोमिनेटर आ जाएगा ये कितना आएगा, 6.67 × 1.67 × 1.67, मेरे पास आंसर आ गया बेटा 18.6, 23.04, 18.06 पावर आ जाएगी भाई कितनी, देखो नीचे तो पावर आएगी 27 × 54, 54 और 64, 64 × 65, 65 ऊपर जाएगा तो 65 में से 29 घटेगा, ये बच जाएगा 5 में से 2 गया 3, 36 बच जाएगा, ठीक है। इस रेशियो को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर ही आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो 23.04 और डिवाइड करा मैंने 18.06 से, तो भाई ये जो है इतना आंसर आ रहा है 1.27 × 10^36। अब बस यहाँ पर ये है, आपको क्वेश्चन देने का मतलब क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब अलग अलग नेचर के रहेंगे चार्जेस, तो तब वहां पर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा आ रही है, क्योंकि भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वहां पर हल्का हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन भारी रहेंगे तो उनके वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रहेगी तो देखो अब भी ज्यादा, 10^36 आ रहा है ना, रहेगी तो ग्रेविटेशनल से अब भी ज्यादा। बट क्या है कि दूसरे केस में जो फोर्स आई है वो कम है बजाय कि पहले केस में जो फोर्स आई थी उससे, कितना डिफरेंस आया बस और कोई डिफरेंस नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। मतलब एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस दोनों के बीच में मान लिया मैंने आर। अब ये जो क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पर लिख नहीं रखा, ये जो आर है ना ये 1 एंगस्ट्रॉम है, मैंने देखा हुआ था बुक में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको 1 एंगस्ट्रॉम मान करके हम चलेंगे, आर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको पता होगा 10^-10 मीटर हो जाता है। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और यहां से जो है ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन एम, यहां से ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन एम आ जाएगा। फोर्स, फोर्स कितनी होगी, फोर्स तो हमने देखो कैलकुलेट की थी अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले पार्ट में, ये देखो कहाँ है भैया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये रहा। अच्छा ये तो ओहो ये तो कंपैरिजन था, ये जो आंसर है ये वाला जो आंसर है ना ये पहले पार्ट का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये कंपैरिजन था, तो यार हमें जो है ना दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ के, फॉर्मूला लगा देंगे के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है भाई एम भी है। अब ये एम क्या है, ये मास है, किसका मास है। अब पहला पार्ट मान लो आप जो है किसके लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो। तो वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, एक काम करते हैं हम एक काम करेंगे, हम सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की, और ये जो मास है ना इसको छोड़ देंगे क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में भी इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो नहीं, गलत गलत लिख दिया मैंने वैल्यू को, के की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी 9 × 10^9, ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10^-19 स्क्वायर आ गया, आर की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10^-10 और स्क्वायर कर दिया, और ये एम मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है।
इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। देखो कैलकुलेटर यूज करता हूँ मैं, एकदम आंसर आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोगों को शायद कैलकुलेटर विजिबल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर ही रहा हूँ कैलकुलेशन। 9 × 1.6 × 1.6 आंसर आ जाएगा 23.04। पावर आ जाएगी भाई कितनी आएगी, 29 आएगी, सॉल्व की थी थोड़ी देर पहले। 10⁻²⁰ ये बैठ गया और 1/m तो चल ही रहा है, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23.04। पावर आ जाएगी भाई -9 आ जाएगी, है ना, और अपॉन में क्या है, एम है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं 2 बार यूज कर सकता हूँ, तो यहां पर ना लिख करके, यहां पर ना लिख करके अब मैं लिख सकता हूँ इधर कि फॉर इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करूंगा इसको पहले, तो जब इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा हूँ तो ए ही लिख दिया मैंने इसको। 23.04 पावर आ गई -9 और इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 × 10⁻³। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा अपने पास में 23.04 और डिवाइड करना है 9.1 से, आंसर आएगा अपने पास 2.5। 2.5 पावर कितनी आ जाएगी, 30, 30 में से 9 गया 21 और 1 22, 22 आ जाएगी। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ रहा है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही चीज अगर आप पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन के लिए करी है, अगर यही चीज आप प्रोटॉन के लिए करते हैं तो देखो क्या डिफरेंस आएगा। सीधी सी बात है, इसका एक्सेलरेशन कम आएगा क्योंकि मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का। 23.04 पावर आ गई -29, नहीं -9, है ना, -9। ये प्रोटॉन के लिए तो ए पे लिख देता हूँ मैं इसको। प्रोटॉन का मास होता है 1.67, पावर आ गई -27। इसको दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, तो ये आ जाएगा अपने पास में 23.04 डिवाइड करेंगे 1.67 से, आंसर आएगा 13.79। तो आंसर आया 13.79 और पावर कितनी आ जाएगी, 27 में से 9 गया 18 बचेगा, 18 पावर आ गई एपी। ये आया भाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। तो देखो एक में पावर आ रही है 10⁻¹8, एक में पावर आ रही है 22, है ना। वैसे तो यहाँ पर अगर प्रॉपरली लिखा जाए तो पावर हो जाएगी 19। तो एक में तो पावर है 19 और एक में पावर है 22, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो भाई। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा आया है और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा आया, प्रोटॉन का कम आया, ठीक है जी, मास की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले मैं आपको कलर चूज करते हैं, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो आपको दो स्फेयर दे रखे थे, एक ए था और एक बी था, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो ये दे रखी थी। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ आर, इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसे मैं मान लेता हूँ क्यू, और इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसे मैं मान लेता हूँ स्मॉल क्यू। अलग अलग चार्ज है ना, देखो यहाँ पर 4+ के साइन है, यहाँ पर 2 है, तो ये यही चीज को बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इस वाले केस में कितनी फोर्स आएगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटे K Q1 Q2 / R² ठीक है। K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹9 और Q1 हो गया Q, Q2 हो गया स्मॉल वाला, R कितना है भाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब -2 और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 × देखो नीचे से सॉल्व करके कितना आएगा, -1, -1 का स्क्वायर -2, -2 गया ऊपर, तो भैया ये हो जाएगी पावर 11। क्यू क्यू ये आ गई फोर्स, आ गई जी, इसको आपने इक्वेशन वन मान लिया। अब इसके बाद सिचुएशन में थोड़े से चेंजेस करे गए, क्या चेंजेस करे गए, चेंजेस ये करे गए कि आप जो है दो स्फेयर लेकर के आए थे, एक का नाम था सी एक का नाम था डी। ये दोनों जो स्फेयर थे और ए और बी जो स्फेयर है, ये सारे के सारे क्या है, आइडेंटिकल स्फेयर हैं, सबका शेप एक जैसा है। अब सी को आप लाए और आपने जो है ए के कॉन्टेक्ट में रख दिया, ये अनचार्ज थे पहले से, पहले इन पर शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं था, क्योंकि आपने इसको ए के कांटेक्ट में रखा, तो ए से क्या होगा, चार्ज सी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, आधा आधा चार्ज हो जाएगा। ए पर पहले चार्ज था क्यू, अब रह गया Q/2 और Q/2 आ गया इस पर। ऐसे ही जब डी वाला आप कॉन्टेक्ट में लाए होंगे तो यहाँ पर भी Q/2 और Q/2 चार्ज हो गया होगा। अब जब ये चार्ज हाफ हाफ हो गया, उसके बाद आपने सी और डी ये जो स्फेयर थे इनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब फिर से सिचुएशन के अंदर जो है दो स्फेयर रह गए, कौन कौन से, एक ए और एक बी, लेकिन साथ में आपने जो डिस्टेंस थी उसको डिक्रीज कर दिया, उसको भी हाफ कर दिया। ये डिस्टेंस को मैं आर डैश मान लेता हूँ, ठीक है जी। अगर इस केस में मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए कितनी आएगी, एफ डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा Q1 डैश / Q2 डैश / R²
सारी वैल्यूज को पुट कर लिया जाए तो ये आ जाएगा भाई, Q1 कितना आ गया, Q/2, Q2 हो गया Q/2, और अपॉन में आर डैश कितना हो गया, 5 × 10^-2 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को तो ये पता है कितना आएगा, 9 × 10^11 क्यू क्यू, इतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। पहले मतलब देखिए, थोड़ी देर पहले जब हमने इनिशियली कैलकुलेट किया था, थोड़ी देर पहले जब हमने इनिशियली कैलकुलेट किया था तो फोर्स इतनी आई थी, ठीक। फिर हमने क्या करा, चार्जेस हाफ हो गए और डिस्टेंस भी हाफ हो गई, तब जाकर के भी फोर्स क्या आ रही है, उतनी की उतनी ही आ रही है, यानी कि फोर्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा आफ्टर अप्लाइंग दीज कंडीशंस, कि भाई चार्ज क्या हो गया, हाफ हो गया दोनों पर, और डिस्टेंस भी क्या हो गई, हाफ हो गई। ये दोनों की दोनों चीजें अगर हम हाफ कर देते हैं तो फोर्स पर कोई डिफरेंस नहीं आता, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, आप लोगों को ना याद रखना है, ये याद रखोगे रिजल्ट तो देखो एग्जाम में थोड़ा सा जो है आप लोगों के पास प्लस पॉइंट रहेगा, थोड़ा बाकी से जो है टाइम कम लगेगा।